मेरा दिल टूट गया है आज टूट गया क्यों? बारे निंजा के अंदर में, क्यों भाई ये चीज चेक करो यार। ओ भाई साहब ये देखो, ट्रेन अब चाहिए क्योंकि देख लो भाई बीच रोड पे खड़ी है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स बिहारी बाइकर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से अपने अपने घरों में रह रहे होंगे। तो गाइस अभी कुछ टाइम से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और अभी भी मेरी तबीयत जो है वो प्रॉपर सही नहीं हुई है। बट अभी गाइस अभी हम लोग चल रहे हैं एक राइड के लिए और हमारा कोई वेट कर रहा है आर ब्लॉक के पास। तो गाइस पहले हम लोग फटाफट पहुँचते हैं आर ब्लॉक और फिर आपको मिलवाते हैं कि कौन हमारा वेट। वेदर ऐसा अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है कि भाई अपने घर के साइड में हो रही है धूप और इधर हो रखी है बारिश, और बाइक का आगे से क्या हाल हुआ होगा वो भाई, पूरी बाइक आगे से गंदी हो गई होगी, सबके टायरों में से स्प्रे की तरह कीचड़ पड़ रही है, मेरे हाथों तक आ रही है। तो भाई आगे का क्या कंडीशन हुआ होगा बाइक का वो आप सोच सकते हो भाई, क्या ही बोला जाए। अभी मतलब अभी पूरे आधे घंटे से 45 मिनट तक पूरा पानी मार के पॉलिश वॉलिश मार के निकला हूँ और अभी क्या कंडीशन, ये देखो यहाँ यहाँ तक छींटे पड़े हुए हैं, मतलब यहाँ तक कि मेरे ट्राउज़र पे भी हैं भाई साहब। एक बाइकर ही समझ सकता है यार, जब बाइक साफ करके निकलो और विद इन अ आवर भाई क्या ही बोला जाए, लग गए पूरे लग गए। ऑल दो चलो भाई अभी चलते हैं, पहले पहुंचते हैं अपने लोकेशन पे। अभी हम लोग लोकेशन पे पहुंचे नहीं हैं और बस इस कारण ही थोड़ा धीरे होना पड़ गया। चलो पहले पहुंचते हैं मस्त लोकेशन पे और फिर आपसे बातें करते हैं। एक्चुअली मेरी आवाज़ भी अभी थोड़ी बदली हुई लग रही होगी क्योंकि अभी तक गला पूरा ठीक हुआ नहीं है, अभी भी थोड़ी थोड़ी सर्दी है गाइस, बट बहुत जल्दी ठीक। लेट करता हर बार के तरह कितनी देर वेट किया पता है? 45। अब तो हम बाइक धो के निकले, मेरा दिल टूट गया है आज। क्यों? बाइक 45 मिनट धो के निकलने के बाद मेरे तरफ बारिश नहीं हुआ और रास्ते में हमको बारिश मिला, यहाँ यहाँ तक कीचड़ पड़ा, ये देखिए थोड़ा सा हो जाता है, ये देखिए क्या हाल हुआ है बताइए। थोड़ा बहुत अभी 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 अपने हाथ से ऐसे ऐसे प्यार से धो के आए थे, पूरा ऐसे गंदा हो गया ना, मतलब दिल टूट गया मेरा आज। तो गाइस अभी हम लोग आए थे यहाँ पे और यहाँ पे वेट कर रहे थे अपने भाई स्मित भाई, यहाँ पे वेट कर रहे थे। तो अभी हम लोग मिल चुके हैं और आज का सरप्राइज देखो भाई, आज एक नहीं इधर एक और निंजा है और आज स्मित भाई भी आए हुए हैं निंजा 300 से। 300 का मतलब समझ लो कि स्टॉक इधर है, इधर स्टॉक है, हाँ ये स्टॉक है और ये अपना एक्रोपब्लिक है। स्टॉक और इसमें थोड़ा डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा, इनिशियल में समझ में आ ही जाएगा। एग्जैक्टली। और अभी हम दोनों को लेके निकलते हैं, भाई चलाएगा अपनी बाइक, पूरा एक्साइटेड हो? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बस थोड़ा सा दिल टूटा उसको जोड़ लेना अभी राइड के बाद, जो कि बहुत जल्दी अपना ऐसा बाइक लेने वाला है ना। हाँ हाँ भाई मचाने वाला। अरे अभी रिवील नहीं करना है, अभी रिवील नहीं करना है, इसको म्यूट कर देंगे। ठीक है अपनी जेरी को और मैं चलाने वाला हूँ भी, इस पे लिखा है किंग किंग। बहुत टाइम से अपन स्टॉक नहीं सुने थे तो एक बार स्टॉक सुनते हैं। चले तो गाइस चलो अब राइड को अपना करते हैं शुरू और निकलते हैं हम लोग टुवर्ड्स मरीन ड्राइव और आज चेक करते हैं भाई कि स्टॉक में गाड़ी कितनी भागती है। ओ भाई बिल्कुल भी शांत लग रही है यार। ओ फोटो शूट्स अभी भाई ज़्यादा नहीं भगा सकते क्योंकि आपको तो दिख रहा होगा कि पूरा रोड वेट है और भाई हैंडल वॉबलिंग का इशू भाई सारे निंजा के अंदर में, क्यों भाई ये चीज़ चेक करो यार। ओ भाई साहब ये देखो भाई, अभी मैं हैंडल नहीं छोड़ने वाला, अभी हमें हैंडल पकड़े क्योंकि अभी हमें चलना है अपने भाई के साथ और आपको मैं ये चीज़ चेक करा दिया भाई कि ये सारे निंजा के अंदर में ये प्रॉब्लम अभी आ रही है। और बहुत जल्द मैं अपने थर्ड सर्विसिंग के लिए जाने वाला हूँ शोरूम, तो मैं वहाँ पे ज़रूर इससे रिलेटेड बात करूँगा। अगर मेरे कंपनी को मेल करना होगा तो मैं कंपनी को मेल भी करूँगा। बट गाइस अभी चलो अभी हम लोग अपना राइड एंजॉय करते हैं
देखा जाएगा गाइस वो बातें उस जगह पे ही होगी। ओ भाई हॉर्न भी स्टॉक है। जेरी बहुत प्यारी लग रही है, प्लस अभी पीलियन के साथ है तो अभी मेरे को एक चीज़ और देखने के लिए मिल रहा है गाइस, जो हमारा नंबर प्लेट है वो हमारे टायर अगर में सट रहा है जैसा कि आपको भी दिख रहा होगा, तो अभी इसका भी मेरे को कुछ उपाय करना है क्योंकि भाई ये मेरे को पता चल रहा था पीछे थोड़ा अगर वेट में अगर बंदा बैठा है भाई मेरे बाइक से बहुत ज़्यादा इस बबल कर रही है। तो गाइस अभी आपको अपनी जेरी नज़र आ रही है थोड़ी सी गंदी हो गई है और ये हैंडल वॉबलिंग सबके अंदर में है, ये निंजा की पुरानी बीमारी है। ओ भाई जेरी की साउंड बहुत सही आ रही है भाई। स्प्रे ये टायरों से निकल के जो आ रहा है ना कीचड़, ये पूरे बॉडी तक आ रहा है भाई और बहुत गंदा पड़ा है। ओ भाई हैंडल बहुत ज़्यादा बॉबल कर रही है यार मेरे को, अब इसमें थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, मतलब अपनी जेरी भी बॉबल करती है बट इतना ज़्यादा नहीं कर रही जितना अभी इसमें हो रहा है। भाई ये सब चीज़ थोड़ा दूर से ही देखते रहना चाहिए क्योंकि देख लो भाई बीच रोड पे खड़ी है, और भाई अगर दूर से नहीं देखा होता तो अभी हम लोग कहाँ गए होते। ये आप देख सकते हो भाई इस तरीके से, मतलब ये भाई एक तरीके का हाईवे है। भाई ये एक तरीके का हाईवे, और बताओ वहाँ पे इस तरीके से खड़ी है। और भाई साहब बहुत टाइम बाद अपन ऐसे राइड कर रहे हैं और राइड करने में जो मज़ा आ रहा है भाई, दिस वन इज़ अल्टीमेट। और अगर बारिश नहीं हुई होती तो और भी मज़ा आता, बट अभी आप देख सकते हो बीच बीच में किस तरीके से हमें पानी मिल रही है। और भाई यहाँ पे चार चार लोग एक साथ, चार चार लोग एक साथ एक बाइक पे। कॉर्नरिंग वाला एरिया और अपने स्ट्रीट वेंडर मस्त कॉर्नरिंग करते हुए जा रहे हैं, अपनी भी बारी है भाई। ओ भाई मज़ा आ गया यार आज के राइड में, सच में यार थोड़ा थ्रिलिंग था और भाई बहुत मज़ा आया। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ यार, बारिश नहीं हुई होती तो अभी ये एक अलग लेवल पे जा रहा होता। और अभी आगे कहीं पे चल के हम लोग रुकेंगे, मरीन ड्राइव पे तो अपन नहीं भगा सकते क्योंकि मरीन ड्राइव पे आगे लग चुका है कैमरा जो कि मैंने आपको बताया था, उसमें सारी स्पीड रिकॉर्ड हो जाएंगी और अपने नंबर प्लेट भी आए इंडिया है।
तो वो भी आ जाएगा। इधर बारिश नहीं हुआ, इधर बारिश नहीं हुआ। तो गाइस अभी आप ये एरिया चेकआउट करो भाई, इधर कोई बारिश नहीं हुई, उधर इतनी बारिश हो रखी है और इस एरिया में कोई बारिश नजर नहीं आ रहा है, और अगर हुई भी होगी तो बहुत ही कम हुई है, पूरा सूखा पड़ा है। तो गाइस जो अपन स्पीड गन की बात, इसकी स्पीड कैमरे की बात कर रही है, कैमरा यहाँ पे लग चुका है, और ये स्पीड कैमरा नहीं है, इसमें सारा कुछ रिकॉर्ड भी हो जाता है, और अगर कैमरा है तो भाई आप सीखते जाओ, बट कैमरे के बाद तो हम लगा ही सकते हैं ना। और ये देखो भाई आधे के बाद इधर बारिश हो रही है। बाकी गाइस अभी बहुत टाइम के बाद मरीन ड्राइव आने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है। हालांकि गाइस जब वीडियोस आती होंगी तो आपको ऐसा लगता होगा कि मैं डेली के डेली अभी इधर आता हूँ, बट ऐसा नहीं है गाइस, हम भी बहुत टाइम के बाद आते हैं, बट क्या होता है कि वीडियोज़ जो रहती हैं वो एडिट करते करते एक दो दिन थोड़ा आगे पीछे हो जाती है, फिर आपके पास आती है, तो इसलिए वो दो दिन के गैप में एक बार हम लोग आ जाते हैं इस तरफ, क्योंकि भाई अभी पटना का कोई सबसे सही जगह अगर हम लोग के लिए राइडिंग के लिए तो वो अपना मरीन ड्राइव ही है। और गाइस इधर राइड करने में अलग ही मज़ा है, अलग ही आनंद आता है। सो गाइस जो अपनी जेरी की आँखें हैं वो हमने ब्लू करा रखा है, और वो बहुत ही औसम लुक दे रही है यार, कुछ तो डिफरेंट पता चल रहा है। बाकी अपने भाई की बाइक पे जो पेट्रोल है वो ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पे राज आ चुका है और अभी इसको फोन भी कर रहे थे पानी के लिए, क्योंकि गाइस अभी अपने को लग चुका था प्यास, बट फोन ही नहीं उठाया, बाइक राइड कर रहा था। और भाई अभी यहाँ पे देख लो कोई बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा है, राइड से पहले इतना जोर का पेन स्टार्ट हुआ ना, और अभी एक पेन हुआ था, मे बी अभी थोड़ा सा इस पे कुछ ट्रीटमेंट किया गया, क्रिकेट खेला तो उसका थेरेपी मुझे मिला है, थोड़ा रिलैक्स हुआ होगा, बट इसको आपको करना होगा, नहीं तो फिर घर पे अगर हॉट बैग होगा तो आप हॉट बैग रख सकते हो, तो उससे आपको बहुत ज्यादा आराम होगा, ट्राई करने पे शायद थोड़ा एकदम आराम होगा। और गाइस अभी का यहाँ का वेदर आप चेकआउट कर सकते हो, कितना खूबसूरत ये वेदर हो रखा है, और हमारा सबसे बड़ा रीजन होता है मरीन ड्राइव आने का वो भाई यही है, चेकआउट कर लो, इसे वेदर भी एंजॉय कर सकते हो और बाइक भी राइड कर सकते हो, एग्जैक्टली रोड देख सकते हो भाई, और रोड देख लो भाई एकदम खाली है, तो कहीं नहीं मिलेगा। और अभी देख लो अभी हम लोग भी सब यहाँ पे मस्त चिल आउट कर रहे हैं, और अभी यहीं पे वीडियो भी हम लोग यहीं तक रखेंगे, क्योंकि गाइज अभी यहाँ से हम लोग निकल चलेंगे फिर अपने अपने घर के लिए। तो गाइज आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना भाई को, एग्जैक्टली। तो गाइज चलो फिर मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक बाय। तो गाइज अगला, अभी तक तो आप लोगों ने दो फूड ब्लॉग देख रखा है, अगला फूड ब्लॉग कमेंट करो कब चाहिए, तो फिर बहुत जल्द हम लोग चलेंगे साथ में बनाएंगे, और एग्जैक्टली भाई जाएंगे दोनों टेस्ट ये करेंगे, क्योंकि भाई अभी अपना पेट का हाल बस कहने की बात है भाई, दोनों मिलकर दबाकर खाते हैं, एग्जैक्टली भाई पेट तो निकल ही चुका है। तो ठीक है गाइस चलो फिर मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राइट सेफ एंड राइट हार्ट।